नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे कि आपके अंगों की बनावट आपके बारे में क्या कुछ बताती है, क्या कुछ कहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके अपने शरीर के अंगों की बनावट के बारे में। आपके अंगों की बनावट, आपके आँख की, आपके मस्तक की, आपके ललाट की बनावट आपके बारे में क्या कहती है। कहते हैं ना कि चेहरा बोलता है, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और आपका चेहरा क्या बोलता है उसको समझते जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं, आपके अंगों की बनावट आपके बारे में क्या कहती है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो चेहरा है, फेस, एक खुली किताब की तरह होता है। हम जब भी किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो सबसे पहले उसके चेहरे पर हमारी नजर जाती है। यदि उस समय चेहरे के खास अंगों की बनावट पर ध्यान दिया जाए, उसकी नाक, उसके कान, उसका ललाट, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो हम उस व्यक्ति के करैक्टर के बारे में, उसके चरित्र से जुड़ी बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। आपके चेहरे के खास अंग, जैसे आपका नाक हुआ, आपका सिर हुआ, आपकी आंखें हुई, आपकी पलक हुई, आपके कान हुए, आपके भौहें हुई, आपके दांत हुए, इन सब अंगों की बनावट और स्थिति जैसी होती है, व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। शरीर के लक्षणों को देखकर आप उसकी व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, उसके फ्यूचर, उसके भविष्य बताने की विधि को समझ सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक विद्या कहते हैं। ज्योतिष का ही अभिन्न अंग है। फेस रीडिंग आपने सुना होगा, बहुत से एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपकी फेस रीडिंग करते हैं। वो फेस रीडिंग क्या है, यही है, आपके आँख, नाक, कान, हर अंग बोलता है और वो क्या बोलता है उसको हम पढ़ते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनाने जा रहा हूँ कि आप किसी के फेस को आप पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। मनुष्य के सिर से लेकर पांव तक हर अंग के अपने कुछ लक्षण होते हैं, उसकी कुछ बनावट होती है, उसका कुछ आकार होता है, उसका रंग होता है। ये सब हमारे व्यक्तित्व के रहस्यों पर रोशनी डालते हैं, साथ ही हमारा फ्यूचर भी बताते हैं। किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर ये आसानी से बताया जा सकता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका आचार कैसा होगा, उसका विचार कैसा होगा, उसका वर्किंग सेक्टर कैसा होगा। तो आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं कि क्या आपका चेहरा बता सकता है आपकी हकीकत, कैसे आप सामने वाले के अंगों की बनावट से जान सकते हैं उसका भविष्य, कैसे आप किसी के भी चेहरे को पढ़ सकते हैं, उस इंसान के नेचर के बारे में, करैक्टर के बारे में, उसकी आयु के बारे में, उसकी किस्मत के बारे में जान सकते हैं। ये सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं, आपके अंगों की बनावट आपके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले जो चीज़ हमें किसी भी इंसान के चेहरे पे दिखती है, वो होता है उसका ललाट, उसका मस्तक। ललाट, उसका मस्तक। तो
आपका ललाट आपके बारे में क्या कहता है उसको समझिए। कहावतें तो दोस्तों आपने बहुत सुनी होगी, किंतु क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति के मस्तक को, किसी भी इंसान के ललाट को देखकर उसके फ्यूचर के बारे में पता लगाया जा सकता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपके ललाट को देख के प्रिडिक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके माथे की लकीरें, आपके माथे की रेखाएं, आपके ललाट की रेखाएं आपका फ्यूचर बता सकती है। आपके माथे का रेखाएं, आपका ललाट आपके फ्यूचर और उसके साथ साथ वर्तमान भी बता सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में ललाट मस्तक के तीन प्रकार बताए। एक ललाट होता है, एक मस्तक होता है उन्नत। ऐसा मस्तक सामान्य से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है और बिल्कुल चिकना होता है, उस पर रेखाएं बहुत स्पष्ट नजर आती है। दूसरा मस्तक होता है सामान्य मस्तक। ऐसा मस्तक, ऐसा ललाट चेहरे के अनुरूप होता है, उस पर भी रेखाएं आसानी से नजर आती हैं। तीसरा होता है निम्न मस्तक। ये सामान्य से थोड़ा अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, हल्का सा काला होने के कारण इस पे रेखाएं साफ नजर नहीं आती हैं। ऐसी आड़ी रेखाएं देखते हैं ना किसी के मस्तक पर, तो जिस व्यक्ति के मस्तक पर तीन शुभ रेखाएं हो, तीन आड़ी रेखाएं हो, शुभ मस्तक पर तीन रेखाएं हो, ऐसा व्यक्ति, उसकी करीब 75 साल की आयु होती, 75 years मिनिमम। मस्तक पे तीन रेखाएं अगर हैं तो, ललाट पे तीन रेखाएं अगर हैं तो, कम से कम 75 साल तो जीने की गारंटी भगवान ने लिख के भेजी। किसी मनुष्य के मस्तक पर यदि कोई रेखा ही ना हो, कोई रेखा नहीं दिखती हो, ललाट पे कोई लाइन नहीं दिखती हो, रेखा नहीं दिखती हो, आड़ी रेखा, तो ऐसा व्यक्ति 25 से 40 वर्ष की आयु में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मृत्युतुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। किसी मनुष्य के ललाट में स्वच्छ, सरल, गंभीर, पूर्ण, स्पष्ट रेखा होने से वो व्यक्ति सुखी होता है, दीर्घायु होता है। छिन्न भिन्न रेखा से युक्त, चैनिंग वाली रेखा से युक्त ललाट वाला व्यक्ति दुखी रहता है, अल्पायु माना जाता है। ललाट में ऊर्ध्व रेखा, त्रिशूल, स्वस्तिक आदि के चिन्ह बने हो तो ऐसा व्यक्ति धन से, पुत्र से, विवाह सुख से युक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जिस व्यक्ति का मस्तक ऊपर से उठा हुआ हो और नीचे से झुका हुआ हो, ऐसे पुरुष अधिक शिक्षा प्राप्त करके उच्च मुकाम को हासिल कर लेते हैं। जिस जातक का मस्तक चौड़ा हो, उसकी संतान भाग्यशाली होती है, कर्मठ मानी जाती है। जिस व्यक्ति का मस्तक छोटा हो, ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रम करके अपने जीवन का निर्वाहन कर पाते हैं। मस्तक पर जितनी रेखाएं बनी हो, उसके उतने ही भाई बहन होने की संभावना भी होती है। मोटी रेखाएं भाई की और पतली रेखाएं बहन की। आपके कितने भाई बहन हैं कैसे पता करें, उसकी रेखाएं देख लीजिए। मोटी रेखा जितनी होगी उतने भाई होंगे, और जितनी पतली रेखाएं होंगी उतनी बहन होंगी। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, जिस व्यक्ति का मस्तक नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ हो, वो धैर्यशील माना जाता है, धनवान माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। जिस व्यक्ति के मस्तक पर छोटा सा चांद बना हुआ हो, उस मनुष्य पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे पुरुष उच्च स्तर के सन्यासी, उपदेशक, योगी होते हैं। जिसका माथा अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे अभागा बोलते हैं, बुरी प्रवृत्ति का माना जाता है। मस्तक पर यदि शून्य, जीरो का निशान हो, तो व्यक्ति धनवान होता है, भाग्यवान होता है। जिसका मस्तक उभरा हुआ हो, पीछे की ओर पलटा हुआ हो, कला के क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाता है, सुख संपत्ति से युक्त होता है। जिसके मस्तक पर पांच रेखाएं हो, तीन रेखा पे मैंने बताया 75, और जिसके मस्तक पर पांच रेखाएं हो, शतायु होता है, 100 साल की उसकी उम्र होती है। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज पंडित जी हम सबको ये बता रहे हैं कि आपके अंगों की बनावट आपके बारे में क्या कहती है। मस्तिष्क के बारे में जाना, कानों की बनावट क्या कहती है, जानते हैं। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आप लोगों को ज्योतिषी बनाने की विद्या बता रहा हूँ कि कैसे आप फेस रीडिंग कर सकते हैं, किसी भी मस्तक, कान, नाक, गाल को समझ के उसके बारे में बता सकते हैं। मस्तक के बारे में बताया, अब मैं आपको कानों की बनावट के बारे में बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के कानों को देखकर आप उसके फ्यूचर के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों, भविष्य के कई राज छिपे हुए होते हैं आपके कानों की बनावट में। आपके हमारे कानों की बनावट हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र, हमारे करैक्टर को, हमारे फ्यूचर के बारे में कई तरह की बातें बता सकती है। हमारे कानों की बनावट, कानों का आकार प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी के बहुत छोटे कान होते हैं, किसी के अत्यधिक छोटे होते हैं, किसी के लंबे कान होते हैं, किसी के चौड़े कान होते हैं, किसी के गणेश जी भगवान समान गज कर्ण ऐसे बाहर निकले हुए कान होते हैं, किसी के बंदर जैसे कान होते हैं, मोटे कान होते हैं। तो आपके कान भी भाग्य के सूचक माने जाते हैं, ईयर। कुल चार प्रकार के कान शास्त्रों में बताया गया है। पहला लंबे कान, दूसरा तिकोने कान, तीसरा चौकोर कान, और चौथा चिपके हुए। बहुत से लोगों का देखा होगा कान जो है बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। जिस व्यक्ति के कान बड़े आकार के होते हैं वो बुद्धिमान होता है। कहते हैं ना, बड़ा कान बड़ा भगवान। बड़े कान वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, बड़ा व्यापारी होता है, उद्योगपति होता है, कारखाने होते हैं खूब सारे। यदि कान ऊपर की ओर बड़ा हुआ हो, चौड़ा हो, फूला हुआ हो, और नीचे का जो लोलुक बोलते हैं इसको, ये नुकीला हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लोलक के आकार से, लोलक कौन सा हुआ, कान के नीचे का हिस्सा जो हमारा बड़ा सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो नीचे लटका हुआ होता है, लोलक बोलते हैं इसको। कान पकड़ते हैं ना ऐसे, लोलट पकड़ते हैं। तो लोलट के आकार से धन प्राप्ति योग का भी निर्धारण किया जा सकता है। लोलक जितने बड़े होंगे, मोटे होंगे, वजनी होंगे, उतनी अधिक संपत्ति होगी। यदि लोलक इतने बड़े हो कि गाल को स्पर्श करने लगे तो व्यक्ति जो है वो खरबपति होता है। गाल को भी लोलक स्पर्श करने लगे, अपने अपने कान पकड़ के देख लो कैसे होते हैं। कानों का फैलावदार होना, नीचे नुकीला होना धन और संपत्ति के आगमन का सूचक माना जाता है। लंबोतर कान, लंबे कान बहुत ज्यादा धनहीनता के सूचक माने जाते हैं। कानों का बहुत अधिक मोटा होना, बहुत अधिक पतला होना भाग्यहीनता, बैडलक का कारण माना जाता है। और ऐसे भी व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनके लोलक होते ही नहीं है। ये जो नीचे का जो हिस्सा लटका हुआ होता है वो लोलक होता ही नहीं, सीधा कान ही होता है। ऐसे व्यक्ति धनहीन होते हैं, दरिद्रता का जीवन जीते हैं, कंगाल होते हैं। बहुत मोटे कान नेताओं के होते हैं, नेतृत्व करने का उनमें गुण होता है। अत्यंत छोटे कान वाला व्यक्ति कंजूस होता है, पैसे निकलते ही नहीं उसकी जेब में। और बहुत बड़े कान वाला व्यक्ति पूजनीय होता है। स्त्रियों के, महिलाओं के कानों पर केश होना विधवापन का सूचक माना जाता है। तो ये कानों से जुड़ी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपके काम की बातें। जी, तो पंडित जी कानों के बारे में आपने बताया, दांतों की बनावट क्या कहती है? ये भी बहुत अच्छा एक आपका प्रश्न है, क्योंकि जो आपके फेस पे सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखती है, आपका ललाट, आपके कान और आपकी मुस्कुराहट में आपके दांत। दोस्तों, क्या आप किसी भी व्यक्ति के दांतों को देखकर उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, दांत ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व बल्कि आपके भविष्य से जुड़ी बहुत सारी बातें बता सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह आप अपने सामने किसी भी पर्सन के दांतों को देखकर उसके स्वभाव और उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके बिल्कुल पंक्तिबद्ध दांत होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए दांत होते हैं। तो जिन लोगों के पंक्तिबद्ध दांत होते हैं, ऐसे सौभाग्य और ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, सुशील तथा सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोगों के देखे होंगे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हो उनके जीवन में संघर्ष रहता है, असफलताएं प्राप्त होती है,
सत्य वक्ता नहीं होते हैं, छल कपट से जीवन निर्वाह करते हैं। और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके जो सामने के जो हमारे दांत होते हैं उनमें छिद्र होता है, छेद होते हैं। जैसे पुरुष के सामने के दो दांतों में छेद दिखे, मतलब गैप दिखे, ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, बुद्धिमान होता है, विद्यावान होता है, परोपकारी होता है। लेकिन महिला के दांतों में छिद्र हो तो वो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, उसको वैधव्य का संताप भोगती है, हर प्रकार से दुखी रहती है। सामने दो बड़े दांत हों, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें भाषण की प्रवीणता रहती है, ऐसे व्यक्ति शत्रु का नाश करने वाले, आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले होते। दांतों की पंक्तियां ऊपर नीचे बिल्कुल ठीक बैठती हो तो वाक्पटु होते हैं, गौरवशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वार्थ रहित भावना से जन सेवा करते हैं। दांतों के ऊपर एक दांत ऐसा व्यक्ति शत्रु को परास्त करने वाला होता है, साहसी होता है, युक्तिपूर्ण होता है। एक दांत तो दबा हुआ हो और एक दांत उठा हुआ हो, एक दांत अंदर धंसा हुआ और एक बाहर निकला हुआ हो। किसी भी व्यक्ति के ऊपरी दांत की यदि ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति संतुलित विचारों का, स्थिर दिमाग का आदमी होता है, दुख और सुख दोनों को समभाव से भोगता है और विवेक से काम लेता है। कोई बच्चा, शिशु अगर दांत युक्त होकर जन्म ले, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके दांत पैदा होते ही दांत थे उसके, तो ऐसा बच्चा, दंत युक्त बच्चा माता पिता के लिए अहितकारी माना जाता है, मृत्यु का सूचक माना जाता है। अगर बच्चा पैदा होते ही उसके दांत अगर आए हैं तो माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही अगर उसके मुंह में अगर दांत दिखते हैं तो शुभ नहीं है। शिशु का पहले ऊपरी दांत, आपके घर में बच्चा हुआ अगर पहले ऊपर का दांत निकलता है तो नाना परिवार के लिए घातक सिद्ध होता है, उसके ननिहाल के लिए, अगर पहला दांत ऊपर का और निकले तो। स्त्री के मध्य दांतों में छिद्र, जैसे महिला के ऊपर के दांतों में छिद्र, वो शुभ नहीं मानते हैं। 32 दांतों वाले जातक, जिसके 32 दांत हो, ऐसे जातक जो होते हैं वो राजा माने जाते हैं। 31 दांतों वाले जातक भोगी माने जाते हैं। 30 दांत वाले जातक सामान्य जीवन को जीते हैं। तो अपने दांत गिनना, ऊपर नीचे कितने हैं, उसी से अंदाजा लगाना कि कैसा जीवन आप जियोगे। जी तो पंडित जी, दांतों के बारे में भी आपने बताया, लेकिन जो बाल होते हैं, सर के जो बाल हैं, वो हमारे बारे में क्या कुछ बताते हैं? जी बिल्कुल, आइए, आपके सिर के बालों से आपकी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी होती है? आपके बाल। आपके बालों से आपके भविष्य को जाना जा सकता है। कैसे? बालों को आईने में गौर से देखें। दरअसल बाल सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि आपके स्वभाव को भी व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं कैसे अपने बालों को देखकर आप पता लगा सकते हैं अपने आने वाले समय के बारे में। बालों का रंग और आकार प्रकार से भी मनुष्य के भाग्य के बारे में पता चलता है। 4 प्रकार के बाल होते हैं, काले, घुंघराले, भूरे, सुनहरे और मुलायम बाल। सिर के एक रोमकूप में एक ही बाल होना ही शुभ माना जाता है। ऐसे बाल ही सबसे अच्छे होते हैं और अच्छे वर्तमान के साथ सुखद भविष्य की ओर इशारा करते हैं। अगर एक बाल में से कई सारी शाखाएं निकल रही हों तो उनकी शक्ति को कम करने वाला माना जाता है। ऐसे जातक अक्सर डबल माइंडेड रहते हैं, किसी निर्णय तक पहुँच नहीं पाते हैं। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं तो आने वाले समय में जल्द ही कोई बड़ा लाभ होने वाला, प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपके बाल मोटे होते जा रहे हैं, कड़क होते जा रहे हैं, तो सावधान हो जाओ, नुकसान होने वाला है। अगर दिनों दिन आपके बाल सीधे होते जा रहे हैं, समझना चाहिए कि आने वाले समय में आपके सामने कोई नई प्लानिंग, नई योजना आने वाली है। बहुत लंबे बाल उमंगशीलता बताते हैं। कान के पास आकर बाल लहरदार या घुंघराले हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति भाग्यवान बनते हैं। कान के पास आके लहरदार या घुंघराले हो जाएं, गर्दन पर आकर बाल गुच्छों की शक्ल ले ले, गर्दन पर आके बाल गुच्छों की शक्ल ले ले तो धनवान होने का सूचक माना जाता है। तो इस प्रकार आप कान बाल देखकर भी
आप किसी के भविष्य को जान सकते हैं। जी और पंडित जी, क्योंकि बालों से भी आपने बताया बनावट, लेकिन पैरों की बनावट बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो भी क्या कहती है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं। क्या किसी के पैरों को देखकर उस इंसान के बारे में पता किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पैरों का शेप देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि ये स्त्री या ये पुरुष, इसका व्यवहार कैसा, इसका आचार कैसा, इसका विचार कैसा, इसका वर्किंग सेटर कैसा है। आप किसी भी व्यक्ति के स्वभाव आदतों के विषय में जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पाँवों का शेप देखकर उसका स्वभाव मालूम किया जा सकता है। यदि आप अपने लिए लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, उसकी शक्ल तो आप देखेंगे ही, लेकिन उसके पाँव देख लीजिए। अगर उसके पाँव शुभ हैं तो आपके लिए शुभ रहेगी, अपाँव अशुभ हैं तो आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। तो आज मैं पैरों के 5 शेप्स आपको बता रहा हूँ, 5 आकार बता रहा हूँ। इन शेप्स में से आप अपने पैर का शेप मैच करके, सामने वाले का पाँव मैच करके स्वभाव से जुड़ी खास बातें जान सकते हैं, दूसरे के पाँव का भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों के पाँव में अंगूठे से घटते क्रम में उंगलियाँ होती, सबसे पहले पाँव का बड़ा अंगूठा और फिर उससे घटती हुई उंगलियाँ हों, ऐसे लोग जो है दूसरों के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। ऐसे पैर वाले व्यक्ति, शेप वाले व्यक्ति अधिकार जताने वाला होता। अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो अधिकार जताएगी, पति है तो वो हमेशा अडामेंट रहेगा, अगर घटते क्रम में है तो अंगूठा फिर छोटा छोटा छोटा। जिन लोगों के पाँव में अंगूठा और उसके पास वाली 2 अंगुलियाँ बराबर हो, अंगूठा के साथ साथ 2 उंगलियाँ भी बराबर हो और शेष छोटी हो, तो ऐसा पर्सन हार्डवर्क करने वाला होता, कठिन परिश्रम, अपनी मेहनत के बलबूते पर हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। और जिन लोगों के पाँव में अंगूठे के पास वाली उंगली अधिक बड़ी हो, अंगूठे से भी पास वाली बड़ी हो और शेष छोटी हो, ये लोग किसी भी काम को यूनिक तरीके से करना पसंद करते हैं। कार्यों के संबंध में इनकी प्लानिंग बहुत अलग होती है, श्रेष्ठ होती है। और जिन लोगों के पाँव में अंगूठा लंबा हो और शेष उंगलियां छोटी हो और उंगलियों की लंबाई बराबर हो, तो व्यक्ति कूल माइंड का होता है, हर काम को ठंडे दिमाग से करता है, आवेश में नहीं आते हैं। और जिन लोगों के पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली अधिक लंबी हो और उसके बाद दूसरी उंगली थोड़ी छोटी हो और शेष उंगलियाँ और छोटी हों, ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, क्रेजी होते हैं, किसी भी काम को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ पूर्ण करते हैं, जीवन का पूरी तरीके से आनंद लेते हैं। यदि किसी जातक के पैर की उंगलियां छितरी भी हों, बहुत सी ऐसी होंगी, एक तो जुड़ी भी होती है और एक ऐसी छितरी भी होती, आर्थिक शारीरिक दुर्बलता दर्शाती। इस प्रकार अगर किसी जातक के पाँव का ऊपरी हिस्सा चिपटा हुआ हो तो उसे कमर और घुटने की समस्या लगातार बनी रहती है। यदि किसी जातक के पैर के ऊपरी भाग में नसें दिखाई देती हो, ऊपर पाँव अगर देखा हो नसें दिख रही हो, तो इसका मतलब ये समय से पहले ही बुढ़ापा उसके आ जाएगा। और यदि किसी जातक के पैर का आकार कछुए की पीठ की तरह हो तो आर्थिक दृष्टि से सबल होने का संकेत देता है। तो सरल सी बातें हैं जी। और पंडित जी, इसी तरह भौहें जो होती है, हमारी आईब्रो जो होती है, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको आपकी आईब्रो के बारे में भी बताता हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूँ आपके आईब्रो से जुड़े, जो आपकी अभी की प्रेजेंट की राज भरी बातें खोल सकते हैं। विशाल ऊंची दूर दूर धनुष के आकार की सुनहरे बालों वाली चंद्र के समान आईब्रो और एक दूसरे को न छूने वाली क्रमशः सम्मान, सुख, संपत्ति, भाग्यवान, शुभ, भाग्यकारक, धन धान्य की निशानी मानी जाती है। सुंदर और बारीक आईब्रो वाले व्यक्ति धन संबंधित कार्यों में विशेष लाभ कमाने वाले होते हैं। जिन लोगों की दोनों आईब्रो आपस में मिली हुई होती, बहुत से लोगों की देखी होगी जुड़ी हुई, ऐसे लोग दूसरों के मुकाबले अधिक चतुर होते, चालाक होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की आईब्रो के बाल रूखे हों, बेजान हों, ऐसे लोग जीवन में धन की कमी का सामना करना पड़ता है। और जिनकी आईब्रो चौड़ी होती है, आपस में मिलती नहीं है, ऐसे लोगों को जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं यदि आईब्रो उल्टी हो, सक्रिय हो और एक दूसरे से सट जाने वाली जो आईब्रो होती है,
ऊंची टेढ़ी मेढ़ी झुकावदार, ये दुख दारिद्र्य भाग्यहीनता का सूचक मानी जाती है। तो ये कुछ आपको पंडित जी ने बताया, जानकारी दी आपके अंगों के बारे में कि क्या कुछ ये आपके बारे में संकेत देते हैं, आपके बारे में बताते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।